नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पिन अंडर सर में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत को खत्म कर चुके हैं। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के आखिरी पड़ाव यानी कि मुगल वंश पर चर्चा करेंगे आज। और मुगल वंश में जैसा कि हमने कहा था कि जो है दिल्ली वे जो भारत के मध्यकालीन इतिहास में था उसमें सबसे ज्यादा शासन करने वाला मुगल काल ही था। और मुगल काल जो है ये लगभग जो है 350 साल तक 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक मुगलों का शासन रहता है। लगभग 350 साल तक ये लोग जो है शासन करते हैं। 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक मुगल काल का उदय पीरियड माना जाता है, मतलब मुगल काल का जो है उत्थान होता है। और 1707 ईस्वी से लेकर के मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। और ये पतन जो है 1857 ईस्वी तक बहादुर शाह जफर द्वितीय के समय तक चलता रहता है, जिसकी हत्या जो है अंग्रेजों ने रंगून भेजकर करवा दी थी। तो हम लोग जो है मुगल काल में आज बाबर के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मुगल काल जो था ये भारतीय इतिहास का द्वितीय स्वर्ण युग था। भारतीय इतिहास का द्वितीय स्वर्ण काल था कौन सा? मुगल काल। और प्रथम स्वर्ण काल जो था वो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य यानी गुप्ता पीरियड था। और जो कि गुप्ता काल जो था 319 ईस्वी से लेकर के 540 ईस्वी तक था। तो प्रथम स्वर्ण युग जो होता है इतिहास का वो होता है 319 से लेकर के 540 तक। और दूसरा जो स्वर्ण काल होता है वो हमारा ये 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक का दूसरा स्वर्ण काल माना जाता है। जैसा कि हम लोग बता चुके थे कि इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा करके बाबर जो है मुगल काल की स्थापना करता है। मैंने बताया था कि जब मध्यकालीन भारत इतिहास शुरू हो रहा था तो उसमें मुगल मुसलमानों ने जो है तुर्कों ने आक्रमण किया था। कौन वो था? मोहम्मद बिन कासिम। और तुर्कों का आक्रमण बस यही था कि भारत में जो है मुस्लिम धर्म का प्रचार करे। और वहां से जो है मुस्लिम तुर्कों का शासन शुरू होता है। उसके बाद उसी तरह जो है यहाँ पे मुगल काल शुरू हो जाता है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल काल शुरू होता है जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। जैसा कि हम बता दें कि बाबर का जो पिता था इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और इसकी माता का नाम था कुतुब निगार बेग। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और इसकी माता का नाम कुतुब निगार बेग था। और जो इसकी माँ थी वो चंगेज खान की वंशज थी और जो इसके पिता थे वो तैमूर के वंशज थे। ये चंगेज खान की वंशज थी और ये तैमूर के वंशज थे। और यही कारण था कि चूंकि बाबर के अंदर जो है चंगेज खान और तैमूर के जैसे जो है जो हमारे लुटेरे थे उनका खून दौड़ रहा था। और इसीलिए जो है बाबर या मुगल काल जो था इतने वर्षों तक भारत में शासन कर सका। क्योंकि जो है तैमूर की तरफ से अगर देखा जाए तो तैमूर की तरफ से जो है ये पांचवा वंशज था और माँ की तरफ से ये 14वां वंशज था। कौन? बाबर। अगर हम बात करें तो चंगेज खान जो था, चंगेज खान 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय में भारत पर आक्रमण करता है। और वहीं तैमूर की बात करें तो तैमूर जो है 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। किसके समय? नसीरुद्दीन महमूद के समय आक्रमण करता है। और यही था जब भारत पर आक्रमण करके इसने अपना जो भारत का राज था उसको अपने बेटे शाहरुख खान के नाम कर दिया था। लेकिन शाहरुख चूंकि वो भी अपना जो है सारा राजभार जो था वो खिज्र खां को दे करके चला जाता है और खिज्र खां भारत में सैयद वंश की स्थापना कर देता है। तो आज हम उसके आगे चलेंगे कि बाबर के विषय में चर्चा करेंगे। तो ये जान लीजिए कि बाबर तैमूर का वंशज था, तैमूर की तरफ से 5वां वंशज और चंगेज खान की तरफ से 14वां वंशज था। बात करें हम पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो 1526 ईस्वी में, ठीक, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और
बाबर जो था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है और इब्राहिम लोदी की बाबर हत्या कर देता है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत में युद्ध भूमि में मारा जाने वाला शासक कौन था, तो वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को ही युद्ध भूमि में मार दिया जाता था बाबर के द्वारा। और इसमें जो है बाबर तुलगुमा प्रणाली जो है अपनाता है इसमें बाबर। और तुलगुमा प्रणाली क्या है, ठीक, तुलगुमा नीति क्या है, इसमें जो है होता क्या है कि एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ यमुना नदी थी। होता क्या है, एक तरफ यमुना नदी थी तो इसी के दूसरी तरफ बाबर जो है एक खाई खुदवा लेता है। क्या खुदवा लेता है, एक खाई खुदवा लेता है। तो होता क्या है कि ये अपने सैनिकों को ऐसे खा जाता है, इसके सैनिक ऐसे खड़े होते हैं और आगे यहां पे जो है तोप लगा देता है, यहां पर तोप खड़े होते हैं कि जब चूंकि इब्राहिम लोदी जो था वो 1,00,000 से अधिक सैनिक को लेकर के आक्रमण करने आया था और बाबर के पास मात्र 28,000 या 20,000 सैनिक ही थे, 12,000 सैनिक बाबर के पास 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी लगभग 1,000 से ज्यादा सैनिक लेके आ रहा था। तो इस नीति का प्रयोग किया गया, तुलगुमा नीति इसको कहते हैं। और इसमें जो है इसी नीति का प्रयोग किया और इसका जो तोपची था वो मुस्तफा खां और उस्ताद अली था। कौन था, मुस्तफा खान और उस्ताद अली, ये जो है इसके तोपची थे। बाबर के प्रमुख तोपची कौन था, क्वेश्चन बनता है कि बाबर के तोपची का नाम बताइए, तो वो है मुस्तफा खान और उस्ताद अली। होता क्या है इसमें कि जब इब्राहिम लोदी की सेना आएगी तो वो शुरू में सोचेगी कि ज्यादा स्पेस है और इसी के चक्कर में जब ये आएगी तो धीरे धीरे स्पेस पतला हो जाएगा। और यही कारण था, इसी तुलगुमा नीति के कारण ही बाबर जो है इस युद्ध को जीत पाया। और भारत में जो है तोप, ये जो तोप है, तोपों का गोला बारूद का जो लाना हुआ, इसका जनक जो है बाबर को ही माना जाता है, क्योंकि बाबर ही वह शासक था जिसने जो है भारत में गोला बारूद और तोप लेके आया, ठीक। तो बाबर ही वो था। आगे बाबर के विषय में थोड़ा जान लीजिए, तो ये हमने बता दिया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कैसे हुआ था। तो आगे जो है इसमें होता क्या है कि जो बाबर है, अब इसके बाबर के विषय में पहले जान लीजिए कि बाबर राजा कैसे बना, ये तो मैंने पानीपत का प्रथम युद्ध बता दिया, क्योंकि पीछे मैंने इब्राहिम लोदी का जब बता रहा था लोदी वंश, तो उसमें मैंने बोला था कि जब मैं मुगल काल स्टार्ट करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि पानीपत के युद्ध में आखिर हुआ क्या था। तो आगे चलिए हम बताते हैं कि जो है जो बाबर का उदय हुआ वो कैसे हुआ। बाबर का जन्म जो हुआ था 11 वर्ष की आयु में, जब इसके पिता की मृत्यु हो गई उमर शेख मिर्जा की, जो कि फरगना के थे, तो 1494 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु हो गई। तो ये जो है 11 वर्ष की आयु में शासक बनता है, कहाँ का, फरगना। तो सबसे कम उम्र का शासक, मुगल काल का सबसे कम उम्र का शासक कौन था, तो वो बाबर था, जो कि 11 वर्ष में जो है शासन करना स्टार्ट कर देता है। कहाँ शासक बनता है, फरगना का। उसके बाद 13 वर्ष की आयु में अकबर बनता है, अगर भारत की बात होती है तो उसमें अकबर का नाम रहेगा, और अगर केवल मुगल काल की बात होगी तो उसमें बाबर आ जाएगा, क्योंकि फरगना का शासक था कौन, 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में बाबर जो है फरगना का शासक बना था। होता क्या है कि इसी के बाद 1494 से लेकर के 1502 तक, जब यहां से इसको भगा दिया गया, तो 1494 से लेकर के 1502 ईस्वी तक इसे समरकंद में शासन किया था, ठीक। तो समरकंद में शासन किया, कहां पर, समरकंद। और समरकंद में शासन करता है तो होता क्या है कि वहां भी यह नहीं टिक पाता है, क्योंकि ये छोटा था अभी और
और लोग जो है इस पर आक्रमण कर देते थे, इसीलिए इसको छोड़कर जाना पड़ता था। पहले फरगना का शासक था, फिर वहां से गया समरकंद गया, सोचा कि यहाँ पर हम स्वतंत्र शासन करेंगे। फिर 1494 से 1502 ईस्वी तक वो यहाँ पे शासन करता है, फिर यहाँ भी वो नहीं टिक पाता है, यहाँ से भी वो भाग जाता है। और 1502 ईस्वी में बाबर ने एक युद्ध लड़ा था सर ए पुल का युद्ध, 1502 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा था सर ए पुल का युद्ध, ठीक 1502 ईस्वी में सर ए पुल का युद्ध लड़ा था, जो कि बाबर और सैबानी खान जो कि उज्बेकिस्तान का राजा था इसके बीच में होता है, बाबर और सैबानी खान जो कि उज्बेकिस्तान का राजा था, जो कि उज्बेकिस्तान का राजा था इसके दोनों के बीच में युद्ध होता है। इसमें भी बाबर हार जाता है, क्या करता है बाबर हार जाता है और ये जीत जाता है। फिर बाबर अब यहाँ से भागता है, यहाँ से भागने के बाद 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया, ठीक। तो 1504 ईस्वी में ही बाबर ने काबुल और कंधार पर अधिकार किया था और 1507 ईस्वी में इसने उपाधि पादशाह और बादशाह, 1507 ईस्वी में इसने एक उपाधि जो कि था पादशाह और बादशाह, पादशाह और बादशाह नाम की उपाधि लेता है कौन, बाबर कब लेता है 1507 ईस्वी में। और भारत पर इसने जो पहला आक्रमण किया था 1519 ईस्वी पर बाजौर पर किया था, ठीक। तो भारत पर बाबर का पहला आक्रमण कब हुआ था, देखिए भारत पर बाबर का जो पहला आक्रमण हुआ था वो बाजौर पर हुआ था, ठीक। भारत में फर्स्ट आक्रमण, ठीक। तो पहला आक्रमण जो हुआ था वो बाजौर पर हुआ था 1519 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में हुआ था कहां पे, बाजौर पर, और बाजौर का भेड़ागढ़ का किला, भेड़ागढ़ का किला। तो बाजौर में जो भेड़ागढ़ का किला है वहीं पर बाबर का पहला आक्रमण हुआ था। तो भेड़ागढ़ के किले में पहला आक्रमण किया था और पहली बार यहीं पर फर्स्ट टाइम पहली बार यहीं पर जो है गोला और बारूद का प्रयोग किया था बाबर ने, गोला और बारूद का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने गोला और बारूद का पहला प्रयोग कहां पर किया, तो वो करता है कहां पर, भेरागढ़ के किले में जो कि कहां पे है बाजौर में, और कब करता है 1519 ईस्वी को करता है। इसी के बाद होता क्या है कि 1520 और 21 के बीच में बाबर ने तीन और अटैक किया, 1520 से लेकर के 21 तक बाबर ने तीन और आक्रमण किए। और धीरे धीरे क्योंकि जब बाबर भारत में एक बार आक्रमण कर लेता है तो बाबर सोचता है कि क्यों ना भारत पर आक्रमण करके स्वतंत्र शासन किया जाए, इसी के मकसद से बाबर जो है आक्रमण करना स्टार्ट कर देता है। और 1520 से 21 के बीच में बाबर तीन बार आक्रमण करता है, तीन आक्रमण करते हैं। और उसमें देखिए होता क्या है कि तीन आक्रमण जब करता है कहां कहां पे, जो कि सिंध और कश्मीर, सिंध और कश्मीर के क्षेत्र में, तो बाबर सिंध और कश्मीर पर अधिकार कर लेता है। तो दिल्ली पर उस समय, दिल्ली में उस समय लोदी वंश का शासन चल रहा था, और लोदी वंश में, लोदी वंश का शासन चल रहा था, और लोदी वंश में जो शासन कर रहा था वो कर रहा था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था। और इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था तो कब कर रहा था, 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, 1526 ईस्वी तक शासन किया था इसने, और 1517 ईस्वी से लेकर। और इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी लोदी वंश में, जो कैपिटल थी ये आगरा थी, क्योंकि लोदी वंश में जो राजधानी बनाई गई थी वो आगरा को बनाई गई थी। और इसी में जो है पंजाब का जो शासक था वो था दौलत खान लोदी,
पंजाब का शासक जो था वो था दौलत खान लोदी, और पंजाब के बाद हरियाणा का जो शासक था, ठीक, हरियाणा का जो शासक था वो था पंजाब और हरियाणा, यानी दिल्ली का बात करेंगे हम, दिल्ली का जो शासक का कहा था तो वो आलम खान लोदी का कहा था, आलम खान लोदी का कहा था। और वही जो है मेवाड़ में राणा सांगला शासन कर रहे थे। तो चूंकि जो दौलत खान लोदी था वो इब्राहिम लोदी का जो है रिश्तेदार था दौलत खान लोदी, तो जब दौलत खान लोदी को पता चलता है कि तैमूर का वंशज जो है आया है और गोला बारूद लेकर के आया है, आक्रमण कर रहा है, तो इसने जो है ये क्या करता है, दौलत खान लोदी बाबर के पास एक पत्र भेजता है कि आप आइए और जो है दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, तथा दिल्ली में जो है बहुत खजाना है, दिल्ली पर अगर आप अधिकार कर लेंगे तो जान लीजिए आप भारत पर आक्रमण कर लिए। तो यही इसको खत भेजता है बाबर के पास, और आलम खान भी भेजता है और मेवाड़ के राजा राणा सांगा भी भेजते हैं। राणा सांगा सोचता है कि जब हम इसको बोल देंगे, कि ये भी कहता है कि आप आइए और हम आपकी मदद करेंगे, यही होता है कि जब तीनों लोग जो है उसको बुलाते हैं आक्रमण करने के लिए, कि जो आक्रमण होता है वो 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में के रूप में देखा जाता है। तो पानीपत के युद्ध